जमशेदपुर की गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में कांस्टेबल सबिता के क्वार्टर में सबिता समेत तीन लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार दो दिनों से सबिता ड्यूटी नहीं आ रही थी। उसके क्वार्टर में बाहर से ताला बंद किया हुआ था। गुरुवार को शक के आधार पर खोलने पर तीन लाशें देखकर सबके होश उड़ गए। प्रथम दृष्टया किसी ने सबिता, उसकी 8 साल की बेटी और उसकी माँ की हत्या कर दी है और ताला मारकर चला गया है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल सबिता जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित थी। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी और अन्य पदाधिकारी पुलिस लाइन पहुंच गए, जहां पूछताछ चल रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि तीनों का किसी से क्या विवाद था, लेकिन घर में किसी और के न होने से काफी दिक्कत आ रही है। सविता के बारे में बताया है कि वह विवाहित है। वह अनुकंपा पर नौकरी कर रही थी। अब यह पुलिस गुत्थी सुझाने में लगी है कि आखिर पुलिस लाइन के उस फ्लैट में कौन और कब आया और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देकर बाहर निकल गया। पुलिस लाइन के परिसर में जो स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाया गया है, उस क्वार्टर में एक फ्लैट से तीन डेड बॉडी प्राप्त होने की सूचना मिली थी। अभी जो प्राइमरी जांच हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम यहां पहुंची हुई है। प्राइमरी जांच में ये ज्ञात हुआ है कि एक लेडी कांस्टेबल है जो इसी जिला में कार्यरत है, वो उनकी माँ और उनकी बेटी तीनों एक साथ इस फ्लैट में रहते थे और तीनों का पिछले 2 दिन से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, इनको देखा नहीं जा रहा था। अगल बगल के लोग जब खोजबीन किए, दरवाज़ा बाहर से बंद था, उसको जब यहाँ खोला गया तो देखा गया कि अंदर तीनों का डेड बॉडी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। हम लोग फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाए हैं, फिंगरप्रिंट की टीम आ गई है। हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी घटनाक्रम है, जैसे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, उसका जाँच करके अगली तक कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। प्राइमा फेसी जो चीज़ें सामने आई है उसे अभी कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पा रहा है। जब तक पूरी जांच हम लोग नहीं कर ले तो पूरी टीम लगी हुई है। जांच के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसको बताया जाएगा। कितने लोग जानकारी मिली? क्या क्या जानकारी? नहीं नहीं, पड़ोसी जो भी आसपास के फ्लैट में रहते हैं उनका कहना है कि उनको किसी प्रकार की कोई भनक नहीं मिली। जब उसकी सुराग नहीं मिल रही थी तो लोग खोजने लगे और उसके बाद जब उनके घर में गया जाया गया तब देखा गया। दरवाजा के बाहर से बंद हुआ? जी जी, दरवाजे बाहर से बंद। सर, जो डेड बॉडी है, सर वो डेड बॉडी है, उसको देखने से कैसे लग रहा है सर? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया है कि अभी जो प्राइमरी जांच हुआ है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जरूर जो निशान है वो इंगित करते हैं दोनों तरफ। और जब स्पष्ट जांच हो जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया, फॉरेंसिक टीम आ गई है, फिंगरप्रिंट की टीम आ गई है, वो लोग जांच कर रहे हैं। इसका पूरा जांच हो जाने के बाद ही हम स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम रहेंगे। हथियार वगैरह भी मिला है? नहीं, हथियार किसी जो लेडी कांस्टेबल हैं उनका नाम है सविता और उनकी माता जी का और उनकी बेटी का नाम अभी मुझे ज्ञात नहीं है। हम लोग डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।